गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक हैगा वो हैगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के विच बूलियन एक्सप्रेशन एंड मिनिमाइजेशन टेक्नीक। बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ने तो पहले आप इस बारे आप हिस्ट्री के बारे थोड़ा जा जान लें कि बूलियन एक्सप्रेशन किसने मतलब इंट्रोड्यूस किया। तो एक जॉर्ज वैली नाँ का इंसान हुंदा सी जिसने कि 1854 के इंग्लिश मैथमैटिशन सीगा जिन्होंने कि बूलियन अलजबरे की खोज की सी। जिहड़ा इह बूलियन अलजबरा हैगा तुहाडा इह तुहाडे डिजिटल सर्किट नूं डिजाइन करन वास्ते काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करदा हैगा। तो इस तो बाद आपां इसदे मिनीमाइजेशन टैक्नीक्स करांगे जिहड़ियां कि मीन टर्म ते मैक्स टर्म हुंदियां हैगियां। तां इस तो पहलां आपां नूं बूलियन अलजबरा समझण तो पहलां आपां नूं समझ लैणा चाहीदा हैगा कि तुहाडे लॉजिकल गेट्स किद्दां दे हुंदे आ ते किद्दां उह काम करदे आ। जिहड़े लॉजिकल गेट हुंदे आ तुहाडे उह तुहाडे डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होंगे, क्योंकि जो लॉजिक गेट, अगर तुम लॉजिक गेट बारे समझ होएगी फिर ही तुम इसनों अच्छी तरह पढ़ सकोगे, इसनों अच्छी तरह समझ सकोगे। तो इस बेसिकली जो बूलियन ऑपरेटर्स आते हैं वो आप देखते हैं किड़े किड़े होंगे। बूलियन ऑपरेटर्स एंड और एक्स और एंड नॉट। बेसिकली प्राइमरली तुहाडे कोले चार बूलियन ऑपरेटर हैगे आ, ठीक है जी। तो ये जिहड़े तुहाडे बेसिकली पहले तीन ऑपरेटर है एंड और ते एक्स और, इन्हां दी जिहड़ी तुहाडी बाइनरी वैल्यू होएगी वो तुहाडी दो जां दो तों वध होएगी। सपोज जिवें कि हाई लो, ठीक है। और दूसरी वैल्यू की तुहाडी होएगी लो हाई एंड एक्स और, इन दोनों के जिहड़ियां बाइनरी वैल्यू होणगियां वह टू डिजिट्स के ही हुंदियां ने। तो जदों आपां गल करांगे नॉट की, आपां गल करांगे नॉट ऑपरेटर की गल करांगे, तो नॉट ऑपरेटर के हमेशा ही तुहाडी सिंगल डिजिट के इस डिनोट करांगे और जिहड़ी नॉट की वैल्यू होएगी जिहड़ी आउटपुट होएगी उसकी कंप्लीमेंट होएगी। सपोज हाई वैल्यू है अगर तो लो हो जाएगी, अगर लो है दैन वो हाई हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये जिहड़े बेसिक चार तुहाडे बूलियन ऑपरेटर ने ये तुहाडे यूज होंदे आ तुहाडे बूलियन एक्सप्रैशन दे विच, ठीक है जी। तो एंड और एक्स और ये टू बाइनरी डिजिट्स होंगे, ठीक है जी। तो जो थोड़े नॉट ऑपरेटर होएगा इस सिंगल बाइनरी डिजिट होएगा, बिकॉज ऑफ ये सिंगल वैल्यू तो चलेगा और इसका जो आउटपुट होएगा वो कंप्लीमेंट होएगा। इनू आप अगर हाई होएगी वैल्यू दैन वो लो हो जाएगी, अगर लो होएगी वैल्यू तो वो वैल्यू हाई हो जाएगी। बाद आप कैनोनिकल फॉर्म ऑफ तुहाडी बूलियन एक्सप्रैशन दीआं कीड़ियां-कीड़ियां फॉर्म्स होणगीआं आपां उस बारे पढ़ांगे। कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रैशन, जिहड़ियां इह तुहाडियां कैनोनिकल फॉर्म्स होणगीआं बूलियन एक्सप्रैशन दीआं, दो किस्म दीआं हुंदीआं ने जी, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, जिहनूं कहिंदे आं आपां सॉप सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। मैं एक बार फिर दोहरा दा, इनू आपां नूं समझण तो पहलां तुहाडे कोले जिहड़े बूलियन ऑपरेटर्स होंदे आ उहनां नूं समझ लैणा बेहद जरूरी है। अगर तुसीं उहनां नूं समझ लओगे तां तुहानूं इस टॉपिक नूं समझना ईजी हो जाएगा। पहलां आपां गल करांगे तुहाडी सम ऑफ प्रोडक्ट। वैन टू और मोर प्रोडक्ट टर्म्स बूलियन एक्सप्रैशन आर समड बाय बूलियन अडिशंस। एग्जाम्पल लैके चलते आपां, कि एग्जाम्पल होंदी है तुहाडी
ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐਂਡ ਔਰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੈਂਡ ਐਂਡ ਨੈਂਡ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ ਅ ਲੋਜੀਕਲ ਗੇਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਥਰੂ ਅ ਐਂਡ ਔਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਂਡ ਐਂਡ ਨੈਂਡ ਦੀ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਲੋਜਿਕ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਲੋਜਿਕ ਗੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਡ ਔਰ ਐਂਡ ਨੈਂਡ ਐਂਡ ਦੇ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਜਿਕ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਟਸ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਐਂਡ ਗੇਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਵੀ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ, ਬੀ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥ੍ਰੀ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਹ ਐਂਡ ਗੇਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਗੇਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ, ਦੋ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਏ ਐਂਡ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਐਂਡ ਗੇਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਜਿਕ ਗੇਟਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਏ ਐਂਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਇਨਪੁੱਟਸ ਲੈ ਲਏ ਹੈ ਨਾ, ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਗੇਟ ਲਗਾਤਾ, ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਡੀ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਗੇਟ ਲਗਾਤਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਏ ਸੀ ਐਂਡ ਗੇਟ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਗੇਟ ਲਗਾਤਾ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕਲ ਟੂ ਏ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਪਲੱਸ ਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਅਤੇ ਔਰ ਦੀ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਂਡ ਐਂਡ ਨੈਂਡ ਦੀ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਜਿਕ ਗੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਲੋਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਦੈਨ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਬੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਵੀ, ਦੈਨ ਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਗੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਗੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਏ ਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ ਨੈਂਡ ਗੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਂਡ ਐਂਡ ਨੈਂਡ ਦੀ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਪਲੱਸ ਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਔਰ ਐਂਡ ਨੈਂਡ ਐਂਡ ਨੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਮ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਨ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟਰਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ ਬੂਲੀਅਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪੌਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੌਪ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੌਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਮ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗੀ ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆਉਣ ਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਮ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਐਂਡ ਐਂਡ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੋਰ ਐਂਡ ਨੋਰ ਨਾਲ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਐਂਡ ਨਾਲ ਓਪੋਜਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ
एनोर एंड एनोरमा, ठीक है जी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपने जी, कोई ए प्लस सी हूँ जी, वो इक्वेशन से इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा फर्क है ना, अपन इतों पता लग जाएगा ये इक्वेशन आती है तो भी मतलब यह प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म के एक्सप्रैशन हैगी है। फरदर इनू आप लॉजिक गेट के थ्रू सॉर्ट आउट करना है या इनू सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म के अगेन कन्वर्ट करना है। बेसिकली इंप्लीमेंटेड दो किस्म ना होंगे, ऑर एंड नाल एंड नॉर नॉर रिलाइजेशन नाल, ठीक है जी। हम अपने को इक्वेशन है पहले आप ऑर एंड नाल सॉर्ट आउट करा इनू, ए ते सी, ए सी इन्हें दो अपने और गेट लेते, दैन अपने को ए बी सी, मतलब अपने को थ्री इनपुट्स ने, इन्हें भी आप और गेट लगावे क्योंकि आप और एंड रिलाइजेशन नाल इनू सॉर्ट आउट कर रहे हैं। दैन और है, और है, दैन अपने को बी एंड सी, अगेन फिर दो वैल्यू ने। हुण आपां एंड गेट लगावांगे, एंड गेट ए सी ए नॉर नॉर इंप्लीमेंट किदा करांगे नूं आपां। इहदे विच तुहानूं लॉजिक गेट का पता होना चाहिए भी लॉजिक गेट की तुहाडी ऑर गेट किदा लगता है, एंड गेट किदा लगता है, नॉर गेट किदा लगता है, नैट गेट किदा लगता। अगर तुसनूं तुहानूं उस चीज़ बारे पता होएगा तो तुसीं इस नूं ईजली कन्वर्ट कर सकते हो तो सॉर्ट आउट कर सकते हो। ए सी तुहाडे सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है जी। जिहड़ा सम ऑफ प्रोडक्ट हुंदा है उहदी रिलाइजेशन हुंदी है और एंड नैंड नैंड गेट के थ्रू। जिहड़ी तुहाडी प्रोडक्ट ऑफ सम की एक्सप्रैशन हुंदी है उहनूं आपां इंप्लीमेंट कर सकते हैं तुहाडे और एंड एंड नॉर नॉर रिलाइजेशन के थ्रू। आपां कहिंदे आ मीन टर्म ते मैक्स टर्म, बुलियन एक्सप्रैशन के मीन टर्म ते मैक्स टर्म जिहड़ियां टर्म्स हुंदियां ने ये तुहाडे फंक्शनज नूं मिनीमाइज़ करन दे लई हुंदियां, मतलब इक्वेशन नूं मिनीमाइज़ करदियां ताकि तुहाडे मिनीमाइज़ जिहड़ी इक्वेशन हुंदी उहनूं तुसीं इंप्लीमेंट कर सकोगे डिजिटल सर्किट दे विच, ठीक है जी। ये मीन टर्म ते मैक्स टर्म हुंदी है, मीन टर्म मैक्स टर्म अपने को ये चार किस्म के वैरीएबल होंगे जिहड़े तुसी बाइनरी वैल्यू होंगी है, सपोज 0 1 0 1 0 0 1 1 0 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
ਇਹ ਚਾਰ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਟਰਮ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੀਨ ਟਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ, ਮੀਨ ਟਰਮ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੀਨ ਟਰਮ ਏ ਵੈਲਿਊ ਬੀ ਡੀ ਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊ ਲੋ ਨੇ, ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਦੋ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਦੋ ਨੇ
मेन टर्म मैक्स टर्म इदा ही मैक्स टर्म निकल जाएगी थोड़ी। मैक्स टर्म डिनोट होंगी है कैपीटल एम एन आर ए प्लस इतने साइनिंग बस साइन का फर्क पै जाता इनू आप अगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं भी ठीक है इनू आप अगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं ठीक है जी। इनू आप सो ये वैल्यू कि दो चार 16 वैल्यू तक इन आप अगे एक्सपेंड कर सकते हैं ठीक है। आ जीरो है आ वन है आ टू है आ थ्री आप थ्री तक ही ले गए इन अगे भी आप ले आ सकते हैं ठीक है। मीन टर्म थोड़ी इदा डिनोट होएगी जिन्होंने आप कहने सम ऑफ प्रोडक्ट वाला तो मैक्सिमम थोड़ी इदा डिनोट होगी जिन्होंने आप सम ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ टर्म्स कह देने ठीक है जी। ये थोड़ी है मिनीमाइजेशन टकनीक मैक्सिमम ते मिनटर्म ते मैक्सिमम। हुण इक्वेशन की आ जाती हैगी है अगर आपको इक्वेशन आ जाती है ये मिनीमाइजेशन टकनीक दे विच उनू आपां एक तुहानू इक्वेशन दित्ती होगी उस दे विच आपां ने एक लॉजिक गेट बनाना हुंदा बस कहिंदे आ कंस्ट्रक्ट आ लॉजिक गेट थ्रू आ सॉप फॉर्म दे विच जां पॉस फॉर्म दे विच ठीक है। वो आपां किद्दां करनी है कंस्ट्रक्ट आ ट्रुथ टेबल फॉर पॉस एक्सप्रैशंस एक्सप्रैशंस की होएगी थोड़ी एक्सप्रैशन देख लें आप कि दी इन्होंने हूँ आप तो डिनोट आप लिख रहे हैं आपको पता लग गया ना आप मिनीमाइजेशन टेक्नीक मीन टर्म तो मैक्स टर्म की है ना पता लग गया भी ये कि है मैक्स टर्म है ना मैक्स टर्म है ना मैक्स टर्म कि है प्रोडक्ट ऑफ सम पहले लिखा इन्होंने पॉस एक्सप्रैशन एक्सप्रैशन है सॉर्ट आउट करना है सॉर्ट आउट करा तो ट्रुथ टेबल जो कहें भी तुम कंसट्रक्ट करो ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल उ अपना जो पहला तुम्हें दसाया ठीक है हाई लो वैल्यू वाला ठीक है कि आप कि रिप्रजेंट करना है। पहली गल तो यह है अपने को एक दो तीन कह भाव की है अपने को तीन वेरिएबल ने इट मीनस स्टेप वन की अपने को देयर आर थ्री वेरिएबल दूसरा स्टेप की है थोड़ा दूसरा स्टेप की है थोड़ा अगर तीन वेरिएबल ने तो आप डिनोट करांगे टू इंटू थ्री फोर एंड सिक्स मतलब की है एट पॉसिबल थोड़े एट पॉसिबल थोड़ी आउटकम आएगी भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दैन की आप करा इस अगे वैल्यू यदि की होएगी ए बी कंप्लीमेंट सी जीरो जीरो वन नैक्सट की होएगी ए कंप्लीमेंट बी एंड सी जीरो वन जीरो दैन थोड़ी तिने जीरो बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट जीरो 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 तो हूँ ये जेडे ये आप कंसट्रक्ट करना है ये किदा आप करांगे मतलब आपां पता लग गया ना भी ए वैल्यू हाई लो है दैन कंप्लीमेंट ए वैल्यू हाई है हूँ आप बाइनरी वैल्यू के किदा इनजर्ट करांगे अपने कोले की हैगी है थ्री डिजिट्स है थ्री डिजिट्स से बाइनरी वैल्यू हैगी है जीरो 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 वन जीरो जीरो त
तो अपने को आप बाइनरी इक्विवेलेंट किया है। ठीक है, हुण आपां इहनूं की करांगे ट्रुथ टेबल दे विच बनावांगे। ट्रुथ टेबल ही एक किस्म दा है तुहाडा जिहड़ा तुहाडा आपां यूज़ किया हैगा। इहदे विच इह वैल्यू कित्थे आउंदी है भी, एक तुहाडी 001 001 दैन 010 010 दैन 00 बाकी ने वैल्यू आप कर देंगे इन्हों की कर देंगे 0 यदि 0 क्योंकि आप इक्वेशन के लिता है तो जीरो बाकी ने 1 1 1 1 1 1 1 ठीक है। मतलब आपने इदा एक ट्रुथ टेबल बना हों कहन का भाव की है कि तुम कि उसनों एक्सप्रैशन के थ्रू देखना है। ठीक है जी, सब तो पहली गल तो लॉजिक गेट बारे पता होना चाहिए। दूसरी गल की है तो जो बाइनरी इक्विवेलेंट होंगे तो बाइनरी डिजिट के इक्विवेलेंट होंगे तो ट्रुथ टेबल के पता होना चाहिए। ठीक है जी, अज के टॉपिक के बुलियन एक्सप्रैशन किया है। बुलियन एक्सप्रैशन किया हिस्टरी की है कि ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬੁਲੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮਸ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਮ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ। ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇਅਰ ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਟਰਮਸ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸ ਟਰਮ। ਮੇਨ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਮ ਆਉਣਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਮ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਟਰੁੱਥ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਟਰੁੱਥ ਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਮ ਫੋਮ ਜਾਂ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੋਮ, ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਰੁੱਥ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੋਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।